आज हम पढ़ेंगे क्यूमिन के बारे में, ठीक है। क्यूमिन मतलब जीरा। तो जीरा जो है हम लोग सभी जानते हैं कि जीरा स्पाइसेस के रूप में यूज किया जाता है ना, टेस्ट के लिए भी और सुगंध के लिए भी। तो इसका बॉटनिकल नेम है क्यूमिनम साइमिनम, ठीक है। बॉटनिकल नेम जीरा का क्या है? क्यूमिनम साइमिनम। फैमिली एपिएसी में आता है, और अम्बिली फेरी, एपिएसी और अम्बिली फेरी, जिसमें धनिया आता है उसी में जीरा आता है। एपिएसी एंड अम्बिली फेरी। अम्बिली फेरी मतलब क्या होता है? जो सबसे ऊपर जो फ्लावर होता है वो अम्बेल शेप्ड होता है, पूरा इस टाइप का ऊपर का भाग होता है, और पूरे छतरी जैसा लगता है, हर के लास्ट में फूल खिलता है, ठीक है। इस टाइप का अम्बेल शेप होता है, इसलिए फैमिली अम्बिली फेरी बोला जाता है इसको, ठीक है। नेटिव ऑफ इजिप्ट एशिया, मतलब इसका ओरिजिन ऐसा माना जाता है कि इजिप्ट में हुआ और एशिया में हुआ। इजिप्ट और एशिया जो है इसका नेटिव, सबसे पहले जीरा उसी जगह में पाया गया। इसको कल्टीवेटेड किया जाता है, बहुत सारे जगह में उगाया जाता है, मोरक्को, माल्टा, तुर्की, ईरान, रसिया, चाइना, इंडिया, ये सभी जगह में बहुत ज़्यादा मात्रा में जीरा उगाया जाता है, ठीक है। और हमारे इंडिया में सभी जगह इसका इसको लगाया जाता है, ठीक है। सभी स्टेट में ही इसको लगाया जाता है, लेकिन राजस्थान और गुजरात में सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा राजस्थान और गुजरात में जीरा जो है वो होता है, ठीक है। आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, ये तीन जगहों में जीरा को उगाया नहीं जाता। आसाम में, वेस्ट बंगाल में और केरला, ये तीन जगह में इसको उगाया नहीं जाता, ठीक है। इसके उगाने के लिए इसके सीड्स को बहुत ज़्यादा अलग टाइप के, मतलब सॉइल को बनाना नहीं पड़ता। सॉइल जो है उसमें वाटर की मात्रा सही होना चाहिए, और उसमें सीड्स को ऐसे ही फैला दिया जाता है, ठीक है। अच्छे से मतलब सनलाइट आना चाहिए, तो बहुत अच्छे से जीरा होता है। जैसे धनिया की पत्ती छोटे छोटे होते हैं, ये जीरा का प्लांट्स भी ऐसे ही छोटे छोटे होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता, ठीक है। एनुअल हार्ब, एनुअल मतलब एक साल, एक वर्षीय है जरूर, लेकिन 6 महीने में ही जीरा का प्लांट्स जो है उसमें जीरा फल जाता है। 6 महीने वाले प्लांट्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसको लगाया जाता है स्प्रिंग सीजन में, और समर के एंड एंड में, गर्मी के एंड एंड में इसको पूरा जीरा हो जाता है प्लांट्स में, ठीक है। निकल लिया जाता है जीरा को। तो जीरा जो है किस टाइप का प्लांट्स है? छोटा सा धनिया जैसे ही प्लांट्स है। इसको बोला जाता है हर्बेसियस, हर्बेसियस एनुअल प्लांट, ठीक है। 30 सेंटीमीटर तक इसका हाइट होता है, छोटा सा प्लांट है। इसमें बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, बहुत सारे वोलेटाइल ऑयल्स पाए जाते हैं। ये ऑयल जो है क्यूमेल्डिहाइड, क्यूमिन एल्डिहाइड, ठीक है, अल्फा पाइनिन, बीटा पाइनिन, फिलेंड्रीन, क्यूमिनिक अल्कोहल, ये सब चीजें पाया जाता है। और इसमें फ्लेबोनॉइड्स भी पाया जाता है, जो कि फ्लेबोनॉइड्स बहुत मेडिसिनल यूज होता है फ्लेबोनॉइड्स का, ठीक है। फ्लेबोनॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो रहता है हमारे, उसको ठीक करता है, उसको अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन को चलने में हेल्प करता है, ठीक है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, कोई भी जैसे शरीर में जलन होता है वो सब ठीक करने के लिए भी जीरा बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। जीरा में भी एसेंशियल ऑयल पाए, हम लोग देखते हैं ज़्यादातर स्पाइसेस जो होता है जैसे जीरा, धनिया, फिनेल जो सौंफ होता है, सब में एसेंशियल ऑयल पाया जाता है बहुत ज़्यादा, लौंग में, इलायची में, दालचीनी में, ठीक है। तो ऑयल बहुत मेडिसिनल यूज़ होता है। तो क्यूमिन, इसका क्यूमिन का सीड्स जो होता है ये कैसे होता है? टेस्ट के लिए हम लोग तो जानते हैं इसका यूज़ क्या है। एक तो सभी ज़्यादातर सभी चीज़ों में उसका स्पाइसेस के रूप में यूज़ किया जाता है, टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, अच्छा सुगंध के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों की ट्रीटमेंट में, जैसे डाइजेशन के लिए, डाइजेशन अच्छे से होता है जीरा लेने से, स्टोमक इन्फेक्शन ठीक होता है, इंटेस्टाइन का जो इन्फेक्शन होता है वो भी जीरा से मतलब मेडिसिन बनाया जाता है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, ठीक है। और इसमें जो ऑयल रहता है, जीरा के जो सीड्स होता है, इससे जो ऑयल निकाला जाता है
वो जॉइंट प्रॉब्लम, जिसका जॉइंट प्रॉब्लम होता है उसमें मालिश करने से भी बहुत लाभ होता है। ठीक है, तो स्टोमक का कोई भी प्रॉब्लम होता है उसमें जीरा बहुत अच्छा काम करता है। एस्ट्रिंजेंट मतलब स्किन के प्रॉब्लम में भी, स्किन जैसे सिकुड़ जाता है वो भी जीरा लेने से, जीरा का यूज करने से धीरे धीरे स्किन जो है उसका सिकुड़ना भी कम हो जाता है। और बहुत सारे चीज़ों में जैसे डायरिया में यूज़ किया जाता है, फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, बहुत दिन तक फूड मटेरियल को मतलब प्रिजर्व रखने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज़ जो है उसको ठीक करने के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट में लड़ता है जीरा। ठीक है, जैसे प्लेटलेट्स, हमारे शरीर के जो ब्लड में प्लेटलेट्स पाया जाता है, प्लेटलेट्स एक जगह जमा हो जाता है, उस जमे हुए प्लेटलेट्स को ठीक से चलाने के लिए भी जीरा का यूज किया जाता है। ठीक है, एक जगह जमा नहीं होने देता है प्लेटलेट्स को। इस टाइप से थ्रोम्बोसिस, इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प करता है, मतलब बहुत मेडिसिनल यूज वो जीरा का बहुत ज़्यादा है। जीरा का जो प्लांट्स होता है छोटा सा हर्ब होता है, और इसके भी फ्लावर जैसे हम लोग देखे थे धनिया में ऊपर फ्लावर जो है इस टाइप से अरेंज रहते हैं, इसको बोला जाता है कॉम्पाउंड अम्बल। इसका इनफ्लोरेशंस जो है कॉम्पाउंड अम्बल टाइप का होता है, फ्लावर राइट लाइट येलो कलर का होता है, और जीरा जो होता है वो येलो ब्राउन टाइप का कलर होता है। ठीक है, इसका लीप जो है इसमें लीप बेस प्रेजेंट रहता है, लीप बेस प्रेजेंट रहता है, लीप में थोड़ा सा सीथिंग पाया जाता है, जैसे हम लोग घास उसमें देखते हैं, कुछ प्लांट्स जैसे बैम्बू उस सब में देखते हैं कि लीप जो है जो स्टेम है उसके थोड़ा सा नीचे से ही लीप होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है लीप सीथिंग, इस टाइप का लीप सीथिंग पाया जाता है और लीप बेस पाया जाता है, एक ही जगह से बहुत सारे लीप निकलता है। ठीक है, और लीप्स का कलर होता है ब्लूइश ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन होता है, और दो तीन जगह में सेगमेंट्स पाया जाता है जिस जगह से लीप निकलता है। तो छोटा सा प्लांट्स होता है, और इस टाइप से जीरा जो है स्पाइसेस के रूप में और मेडिसिनल के रूप में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है।